उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर के जमीन पर उतरते ही कार्यक्रम स्थल पर बने टेंट गिर पड़े, जिसकी वजह से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में ऐसा हंगामा हुआ कि उन्हें एक घंटे के बाद ही वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़ी शान और शौकत से हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने, लेकिन किसे पता था कि मंत्री जी का ये हवाई सफर आधा दर्जन लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। दरअसल इलाहाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहसो ब्लॉक के राजकीय महिला महाविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड हुआ, तभी तेज हवाओं की वजह से कार्यक्रम स्थल पर बल्लियों के सहारे खड़े किए गए टेंट गिर पड़े। इस हादसे में लगभग 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लकड़ियों की बल्लियां गिरने से लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस ने हादसे में चौकसी बरतते हुए जल्द ही हालात को सामान्य कर दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।